इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने वाले हैं। सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे विधानसभा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण प्रमुख सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। जबलपुर के कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, कलेक्टर कमिश्नर से फीडबैक लेंगे। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें मुख्यमंत्री ले रहे हैं, अलग अलग विभागों की समीक्षा, डेली रूटीन के उनकी ये बैठकें हैं जो वो लेते रहते हैं। ऐसे में आज जबलपुर के कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी और एसपी से उनकी बातचीत होगी। तो देखिए, जिस तरह से जबलपुर में यूरिया से जुड़ा पूरा मामला सामने आया था, जहां एक बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया था और कहा था कि अब सीधे एफआईआर दर्ज होगी, उसका असर भी देखने को मिला। मामले में तेजी आई और कहीं ना कहीं जो यूरिया है उसे जब्त किया गया, और अब उसी मामले से जुड़ा फॉलोअप भी आज मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से लेंगे, किस तरह से कार्रवाई की गई है, क्योंकि जबलपुर से ये मामला सामने आया था जिसने तूल पकड़ा था। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में थे, जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसका असर देखने को मिला था। कुछ ही घंटे बाद यूरिया मिल गई थी, सरकारी यूरिया निजी गोदाम से जब्त हुई थी, और आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अधिकारियों से फॉलोअप लेंगे कि आखिर किस तरह से कार्रवाई हुई, आगे क्या कुछ जांच होनी है। इसके अलावा जबलपुर में ही धर्मांतरण से जुड़ा, बिशप से जुड़ा मामला भी सामने आया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के जांच के निर्देश दिए थे। चलिए, तो संवाददाता आकर्ष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकर्ष, जिस तरह से कल बैठक हुई थी और जबलपुर के तमाम अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, उसका असर भी हुआ था, और जो सरकारी यूरिया थी कुछ ही घंटों बाद वो जब्त हुई थी, आज उसका फॉलोअप तो मुख्यमंत्री लेंगे, उसके अलावा क्या कुछ बातचीत इस बैठक में हो सकती है? शुभांगी, आज जो बैठक होने वाली 10 बजे होगी, और हमने कल देखा था कि जिस तरीके से सरकारी यूरिया जो है उर्वरक, उसको लेकर जो शिकायतें लगातार सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी, यही कारण है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के और एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। और यही हमने देखा था कि कुछ घंटों के अंदर सरकारी यूरिया को छापामार कार्रवाई कर बरामद भी किया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आज शिवराज सिंह चौहान 10 बजे फिर से फॉलोअप लेने वाले हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी उसमें जुड़ेंगे, उनसे जानकारी ली जाएगी कल आपने छापामार कार्रवाई की गई है उसके बाद आगे और क्या आप करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो लगातार कहते रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी। और जिस तरीके से हमने देखा है जबलपुर वाले मामले में, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हम मान सकते हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों की लापरवाही के चलते इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है कि किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री की जो मंशा है, वो जो चाहते हैं, वो कुछ जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं करने दे रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फॉलोअप लेंगे कि किसी भी तरीके से, सिर्फ जबलपुर नहीं पूरे प्रदेश में, किसी भी तरीके से किसानों को उर्वरक की कमी ना हो। आज दिशा निर्देश जबलपुर के लिए जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन इससे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश रहेंगे कि आने वाले समय में इस तरीके से कहीं पर भी लापरवाही न बरती जाए। बिल्कुल सही कहा आकर्ष आपने, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल सख्ती के साथ निर्देश दिए थे और ये कहा था कि अब ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, असर भी हुआ था। एफआईआर की बात मुख्यमंत्री ने जैसे कही थी, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद ये सरकारी यूरिया एक निजी गोदाम से बरामद हुआ था। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में लेते हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आज सीएम हाउस में सुबह 10 बजे से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम अधिकारियों से फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे।